गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीथिंग आवर डॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रोल्स और पेडिग्री प्रो के बीच में कंपैरिजन, क्या क्या इनके इंग्रेडिएंट्स और गाइस वीडियो पूरा देखिएगा। बड़ा ही अच्छा कंपैरिजन बनाया है मैंने, जेन्युइन कंपैरिजन है। दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं वैसे तो। मैंने सुना कि पेडिग्री बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, पेडिग्री भी अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स दोनों के लगभग सेम ही है, सिर्फ 2-4% का ऊपर नीचे, और दोनों में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। और गाइस इस वीडियो के बाद मैं आपको एक वीडियो और बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्टार्टर पर 500 से 700 रुपये बचा सकते हैं, वो भी किसी भी पेट शॉप से। अगली वीडियो जरूर देखिएगा गाइस। ओके, अब मिलते हैं कंपैरिजन पे। तो गाइस ये मेरे पास फोकस का स्टार्टर था ड्रोल्स का, और ये मेरे पास पेडिग्री प्रो। ये मैंने सारा निकाल के उन डब्बों में रख दिया जैसे आपको दिख रहा है, तो इस वजह से ये फटा हुआ है। कंपैरिजन में पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोटीन की। तो प्रोटीन में आपको दिखा दूँ, इसमें 32%, फैट मिनिमम 22%, कड फाइबर 2.5 और मॉइस्चराइजर 10%। अब बात करते हैं पेडिग्री की। पेडिग्री में प्रोटीन है, पेडिग्री में आपको प्रोटीन है 32%, फैट है 18% और इसमें मिनिमम 22% है। तो रोल्स में फैट थोड़ा सा ज़्यादा है 4%, इसका कोई ज़्यादा वो रोल नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बात कर लेते हैं पैकेट थोड़ा। कर्ड फाइबर जो है ये देख सकते हो आप, कर्ड फाइबर है सिर्फ और सिर्फ 10%, और जो इसका मॉइस्चराइजर मैक्स है वो है इसका 10%। तो और इसमें कितना था, इसके अंदर जो था मॉइस्चराइजर 10% था, इसका जो कर्ड फाइबर है, कर्ड फाइबर कम था, सिर्फ इसमें कर्ड फाइबर कम था और इसमें इसका फैट कम था। तो अब बात कर लेते हैं इसके विटामिन और मिनरल्स की। मैंने लगभग जोड़ लिए हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, विटामिन ए, बी, ई, बी सिक्स, ये सभी इसमें प्रेजेंट है। और इसके जो एसेंशियल हैं, एलआरजीनाइन, वैलिन, मेथोलिस्टिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थैलामिन, ये सब इसके अंदर भी प्रेजेंट है। और ये सब इसके अंदर भी प्रेजेंट है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे जब आप नीचे जाएंगे अदर्स में, नेचुरल ऑक्सीडेंट्स, एलआरजीनाइन, ओमेगा 3, ओमेगा 6, फैटी एसिड, मीथेन, ल्यूसिन। ड्रोल्स में जो एक और बेनिफिट है, इसमें ओमेगा 6 वगैरह है, ओमेगा 6 है जो कि आपकी पेडिग्री में आपको नहीं मिलता, ओमेगा 3 है, एल-कार्निटाइन है। ये चीज़ आपको पेडिग्री प्रो में नहीं मिलती है और ये आपको फोकस के इसमें मिल जाती है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं, किस किस चीज़ से मिलकर बना है, आइए उसे भी देख लेते हैं। इसके क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। करेलाज है, चिकन है, एंड चिकन बाय प्रोडक्ट पाउडर, शुगर आइसोलेटेड है, सोया ऑयल है, मतलब एंटी ऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट हैं इसके अंदर, प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, प्रिजर्वेटिव्स, विटामिन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनाए। अब इसके चेक कर लेते हैं ड्रोल्स के। आपके ड्रोल्स में आपके रॉ मटेरियल में रियल चिकन, होल ड्राई एड्स, लॉन्ग फिश ऑयल, वेजिटेबल्स, प्रोटीन आइसोलेट, ब्राउन ड्राइड और मैंगो, बहुत सारे विटामिन और इसमें, मतलब दोनों लगभग सेम से ही हैं, हर दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। इसमें जैसे कि आपके मॉइस्चराइजर फाइबर, मॉइस्चराइजर मैक्स 10% ही है, फैट इसमें 22% है और इसमें 18% है। ऐसे ही इसके अंदर जो है आपका जो कर्ड फाइबर वो कम है इसके अंदर, पेडिग्री प्रो के अंदर आपको कर्ड फाइबर ज़्यादा मिलेगा, इसके अंदर आपको फैट ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा हल्के फुल्के डिफरेंस है गाइस। दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और मैं आपको बता दूँ, अब इसमें लैक्टिंग मदर के लिए स्पेशल नीड जो इन्होंने ऐड की हुई है, इसमें एनर्जी डेंस है, प्रोबायोटिक्स जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, देख सकते हैं आप प्रोबायोटिक्स इसके अंदर हैं, स्पेशल टू एंश्योर हेल्थ जो मुझे इसमें एडिशनल लगा, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर ये भी दिया हुआ है, इम्यून सिस्टम को लेकर, जो आपके पपीज होते हैं उनके इम्यून सिस्टम को लेकर भी इसमें ध्यान रखा गया। तो ये सारी चीज़ मेरे को इसमें थोड़ी अच्छी लगी पेडिग्री प्रो में, बाकी दोनों ही अच्छे हैं फोकस और पेडिग्री के, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई अच्छा नहीं है, दोनों ही बढ़िया हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर जो आपके पास लैब्रा ब्रीड है तो लैब्रा ब्रीड के लिए स्पेशल पेडिग्री, बहुत पुराना ब्रांड है ये, देखिए लैब्रा छपा हुआ है उस पर, तो लैब्रा ब्रीड के लिए बता रहा हूँ ये पेडिग्री बेस्ट है, बाकी आप और ब्रीड में भी देख सकते हैं। बाकी दोनों ही कंपेरिजन में दोनों ही सेम है, थोड़ी बॉडी छोटा मोटा इनके न्यूट्रिएंट्स ऊपर नीचे हैं, बाकी दोनों ही मस्त हैं। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।